हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। चलिए आज जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। 39 क्वेश्चन तक हमने वहां पे कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 39 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। देखिए सभी लोग, स्क्रीन पर आपको वर्कशीट दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा आपका बॉन्ड जो है वो ज्यादा, कौन सा कंपाउंड आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए तीन कंपाउंड आपके बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक तो आपका ऐसा है जो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। यहां पर ये जो सी एक्स बॉन्ड है ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। जितनी जल्दी यहां पर ये एक्स निकल जाएगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा जो कंपाउंड है उसको भी देखते हैं जरा, ये तो बिल्कुल लास्ट में जाएगा। ये आपका एनओ टू यहां लगा दिया गया है और एक यहां भी एनओ टू दे दिया है, सॉरी यहां नहीं है, इस बार यहां दिया है और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तीसरा आपका है एल्केन से टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। देखिए यहां पर सबसे जल्दी ये आसानी से बाहर जाएगा। तो यहां जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी जो है ये कॉन्सेप्ट है, आपका ध्यान रखना बेटा, यही सभी लोग है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। और लिविंग ग्रुप क्या है, यही है लिविंग ग्रुप। तो आप ये देख लो जरा कि जब यही कंपाउंड आप यहां से जैसे ही अलग होगा तो ये यहां पर क्या बनाएगा, ये आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन बना देगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने दो तीन बार डिस्कस किया है इसको कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ही जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो सबसे तेजी से यही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में देखिए ऑप्शंस चेक करिए, सबसे ये थर्ड है आपका, ये सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये देखिए थर्ड वाला सबसे ज्यादा किसमें दिखाया गया है, थर्ड वाला आपका ऑप्शन सी में दिखाया गया। देखिए सभी लोग, यहाँ पर जो आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला सबसे स्लो करेगा, सेकेंड वाला फिर उससे स्लो करेगा और थर्ड वाला सबसे कम करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नोट करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बड़ा आसान है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। पहला रिएक्शन दिया है, दो रिएक्शंस दे रखे हैं, पहला है CH3 CH2 CH2 Br, इसमें उन्होंने KOH पे एक गलती कर दी, यहां पर अल्कोहलिक KOH दिखाना चाहिए था, इन्हें नहीं दिखाया है, ठीक है, होना चाहिए था क्योंकि यहां पर इन्होंने एल्कीन बनाई है। देख लीजिए सभी लोग, CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनाया था इन्होंने, बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें केवल यही बताना है कि ये रिएक्शंस कौन कौन से टाइप के हैं। बी वाला देखिए क्या है, बी वाले में डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन है और उसमें Br2 का रिएक्शन हो रहा है और ये बन रहा है। तो देखिए प्रोडक्ट देखने से ही पता चल जाता है कि कौन सा रिएक्शन क्या है। देखिए यहां पर ये ऊपर जो लिखा हुआ मैंने आपको बताया था, ये जो होता है ये एलिमिनेशन ही करता है, हमेशा एलिमिनेशन करेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर दूसरी बात, ये एल्कीन बनी हुई है, ठीक है, एल्कीन है, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन तो एलिमिनेशन होगी पक्का। और ये वाला जो रिएक्शन, इसमें देखो ये जो डबल बॉन्ड है इस पर Br2 का एडिशन हो गया, दोनों Br इस पर एड हो गए तो ये एडिशन होगा। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो, क्वेश्चन में ऑप्शन ढूंढ लो, ए वाला एलिमिनेशन है, बी वाला एडिशन है, कौन सा है, ए ऑप्शन से, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये आसान है। जहां भी एल्कीन दिखे और इधर आपका क्या नाम है नॉर्मल हो, या फिर इधर आपका केवल हेलो एल्केन्स हो, तो समझ लेना वहां एलिमिनेशन ही हो, क्योंकि एलिमिनेशन में ही आपकी एल्कीन बनती है और एडिशन में डबल बॉन्ड आपका खत्म हो जाता है। एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड आ जाता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाता है, और एडिशन में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इन एल्काइन हाइड्रोलिसिस आफ्टर 3 डिग्री यानी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बाय एक्वस एल्कली, एक्वस एल्कली का मतलब है यही है, यहाँ पे एल्कोहलिक एल्कली है, एक्वस एल्कली का मतलब KOH से है। द रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एल्कली इज डबल्ड देन द रिएक्शन रेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज, देखिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें रिएक्शन का रेट बदलेगा, ठीक है, रिएक्शन का रेट नहीं बदलना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, करेक्ट, ठीक है, ये आपका लर्निंग स्किल का है क्वेश्चन, ये आपका लर्निंग स्किल का है क्वेश्चन 42। रेट रिमेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, अब कैसे रहेगा ये बता दूं मैं आपको, देखो जरा सभी लोग, यहां पर जो इलिमिनेशन होगा ध्यान देना, इलिमिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि इलिमिनेशन ही होना है, यहां पर लिखा है कि हाइड्रोलिसिस है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, किसका है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का, तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में अगर हम इसका करा दें R3CX, ठीक है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसकी प्रेजेंस में, एक्वस एल्कली यानी कि एक्वस KOH है और यहां पर H2O हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सुन लीजिए, तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, मान लिया जैसे ये बन गया COH, ये एल्कोहल बन गया, अब जो इसका रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी जो काइनेटिक्स है रिएक्शन की वो क्या कहती है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ये जो हुआ है आपका ये किस तरह का है, ये SN1 है रिएक्शन, क्योंकि एलिमिनेशन नहीं हुआ यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ये क्या होता है, ये केवल एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करता है, ये एल्काइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर ये नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, इसको चाहे तो हटा सकते हैं, केवल और केवल ये इसी पर डिपेंड करता है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब केवल इसी पर डिपेंड कर रहा है तो इसको आप अगर डबल या आधा करोगे तो फिर रेट पर इफेक्ट पड़ेगा, और ये तो चीज है ही नहीं, किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जब इसकी पावर ही जीरो है तो इसका मतलब वन है, ठीक है, तो इस पर तो ये डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल इस पर डिपेंड करता है, न कि इस पर डिपेंड करता है, तो जब इसको आप और इसमें क्वेश्चन में इसको डबल कर रहे हैं, ये जो आपका एल्कली है, ठीक है, यही न्यूक्लियोफाइल है, इसी में से न्यूक्लियोफाइल निकल के आएगा बाहर, और इसी में से न्यूक्लियोफाइल जब निकल के आएगा तो उसका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल उसका हिसाब किताब इसमें टाइम टाइम फिक्स है, तो इसलिए यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन केवल इस पर डिपेंड करेगी, इस पर नहीं करेगी, यानी कि ये आपका जो है रेट नहीं बदलेगा और ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर हम ये कहते कि एल्काइल हैलाइड को डबल किया जाता है तो रेट जरूर डबल हो जाता, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर बदल के नहीं पूछ लिया जाए आपसे कि अगर एल्काइल एक्वस एल्कली के बजाय, यहां पर ये जो आपका है एक्वस एल्कली का मतलब यही है, एक्वस एल्कली का मतलब KOH है, ठीक है, तो यहां पर एक्वस एल्कली के बजाय अगर एल्काइल हैलाइड को डबल कर दिया जाए तो रेट डबल हो जाएगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बट यहां पर भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म, बहुत आसान है, सारे कंपाउंड चेक करो, देखिए पहला जो है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये दिया है, इसमें से Cl हटाओ, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा बनाएगा, प्राइमरी ही बनेगा, दूसरा इसमें आपका फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे वाले में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, तीसरे वाले में आपका बनेगा CH3 CH2 Cl, तो मेरे हिसाब से इसमें बी वाला होना चाहिए, क्योंकि यहां पर फिनाइलिक कार्बोकैटायन बनना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए। 43 का देखिए, इसमें जितने भी आपके
कंपाउंड दिए हैं 43 में, उसमें केवल एक यही ऐसा है C6H5Cl, यही तो दिया है। ओके ठीक, इसको अगर हम बनाए यहां पर तो ऐसे ही तो बनेगा ये, और यहां से अगर Cl को हमने हटा के ऐसे बना लिया ये, चलिए इसको मैं सर्किल के बजाय इसको मैं डबल बॉन्ड्स में दिखा रहा हूं, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, तो ये वाला आपका फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा, और ये जो कार्बोकैटायन है फिनाइल कार्बोकैटायन, ये आपका लेस स्टेबल होता है, इनमें सबसे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन ही आपको ढूंढना था, ठीक है, तो सबसे लेस कार्बोकैटायन यही है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है, यहां पर ये क्या होगा, इट डज नॉट हाइड्रोलाइज, इस पर आप SN1 नहीं करा सकते हैं, ठीक है, इस पर आप नहीं करा सकते, बाकी सब पे करा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑप्शन बी, ठीक है, क्लोरोबेंजीन जो है इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए यहां दो बातें हैं, एक चीज और भी है, यहां पर जो कार्बन और इसी में कार्बन और क्लोरीन जो है इसके बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, इसलिए भी ये टूटेगा है नहीं CCl बॉन्ड इतनी जल्दी, तो टूटेगा नहीं, तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये भी आप रीजन लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से भी ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इन SN1 रिएक्शन द काइरल सेंटर देयर इज, यहां पर देखिए एक ऐसा SN1 रिएक्शन बता रहे हैं कि यहां पर मॉलिक्यूल में काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर का मतलब ऐसा कार्बन, ऐसा सेंटर जिसमें कार्बन आपका 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स या फिर एटम्स अटैच हो, तो यहां पूछा है उसने 100% रिटेंशन, ठीक है, देखिए SN1 जो होता है मैं आपको बता दूं SN1 में 50-50% दोनों चीजें होती हैं, आपका 44 क्वेश्चन नंबर है, SN1 में 50% होता है रिटेंशन, ठीक है, और 50% आपका इन्वर्जन होता है, रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, बट यहां पर ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, एक जगह लिखा है 100% रिटेंशन, ये भी नहीं होगा, 100% इन्वर्जन ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 100% इन्वर्जन किसमें होता है, SN2 में होता है इन्वर्जन, ठीक है, और 100% रेसमाइजेशन ये भी इतना आसान नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें डी वाला जो है होना चाहिए, इन्वर्जन इज मोर देन द रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन, ये वाला सही होना चाहिए, देखिए एक बार नीट या IIT मेंस में पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा टोटल कंफ्यूज करने वाला है, इसमें ना तो 100% रिटेंशन होगा ना ही आपका 100% इन्वर्जन है, 100% रेसमाइजेशन भी नहीं कह सकते, ये रेसमाइजेशन का वो नहीं है कॉम्बिनेशन, यहां पर पार्शियल रेसमाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है, पार्शियल रेसमाइजेशन ये पॉसिबल है, तो ऑप्शन कौन सा आपका होना चाहिए करेक्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना सभी लोग, नोट कर लीजिए इसको, अभी आगे के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, देखिए सभी लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन है 45, क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन सेल गिवन ये गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, देखिए सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन की बात की जा रही है इसमें, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कब बनेगा, ध्यान दीजिए सभी लोग, देखिए यहां पर ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा डी वाला जो ऑप्शन है उसे जरा देखिए और से, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर तीन तो आपके इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं ऑलरेडी, और ये आपका Cl लगा दिया है, तो Cl को जब आप हटा देंगे यहां से
तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। अब ये जो कार्बो कैटायन है ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बो कैटायन होगा। तो 3 डिग्री कार्बो कैटायन ही क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसमें पहला ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सबसे करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिया है इसमें डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाया है और एक में सीएल में दिखाया है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा जो डबल बॉन्ड है वो सबसे पहले शिफ्ट होता है, यानी कि जो करेक्ट आपका है वो ये इस तरह से होना चाहिए सी एच, देन उसके बाद में फिर एक सी एच टू लगाकर इन्होंने सी एल दिखाया है। तो सबसे पहले आपके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही यहां शिफ्ट होंगे, देन उसके बाद में ही फिर आपका ये रिमूव होगा। तो इसमें ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना सभी लोग, डबल अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के में से किसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिमूव होते हैं, या फिर इसके लोन पेयर की बात करें तो पहले डबल बॉन्ड इधर आएंगे फिर लोन पेयर इतनी जल्दी नहीं बाहर जाते हैं, ध्यान रखना इतनी जल्दी रिटर्न नहीं होते हैं। लोन पेयर जब बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होती तभी आप बैक होते हैं, तो यही वाला रिप्रेजेंटेशन सबसे बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अ सॉल्यूशन ऑफ 1 क्लोरो 1 फेनिल इथेन इन टॉलोरिन रेसमाइज स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए यहां पर पकड़िए क्वेश्चन को, रेसमाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, रेसमाइजेशन है। रेसमाइजेशन किसमें होता है, SN1 या SN2 में? रेसमाइजेशन जो है SN1 में होता है, SN2 में होता है? सोचिए सभी लोग, SN2 में तो नहीं होता है क्योंकि उसमें 100% इन्वर्जन हो जाती है। तो जो आपका ये 47 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। सभी लोग देखिए कार्बो कैटायन ही इसमें आना चाहिए। 47 में रेसमाइजेशन की बात कर दी उसने, बस यहीं पे वो पकड़ लिया गया, ठीक है। रेसमाइजेशन है इसका मतलब SN1 रिएक्शन, ठीक है, और SN1 है इसका मतलब क्या है, कार्बो कैटायन उसमें जरूर इन्वॉल्व हुआ होगा। विदाउट कार्बो कैटायन के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी पर ही तो डिपेंड करती है SN1 की रिएक्टिविटी। कार्बो कैटायन ही इसमें आएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका कार्बो कैटायन है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस ऐसे होते हैं जिनमें बीच में कुछ ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिसको पकड़ के हम उसका आंसर फट से निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने नहीं था, रेसमाइजेशन दिया है SN1 में, अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपका इसी पर था, कार्बो कैटायन आया था उसमें, तो ये ऑप्शन डी हो गया। 48 क्वेश्चन नंबर देखिए, 48 में दिया हुआ है इसमें, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकॉम्प्लायंट बाई, बड़ा आसान है ये तो, स्टीम रिएक्शन होना चाहिए इसमें। 48 का फर्स्ट सही हो जाएगा सभी लोग, सॉरी फर्स्ट श्वार्ट रिएक्शन होगा, श्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्लोरो एल्काइल फ्लोराइड जो बनते हैं, एल्काइल फ्लोराइड, ये तो नियम रिएक्शन वाला है, एल्काइल फ्लोराइड जो बनते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, श्वार्ट रिएक्शन से बनाए जाते हैं। और जब स्वाद रिएक्शन से बनते हैं तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ये लर्निंग स्किल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट 49 पे जाइए, नियोपेंटिल ब्रोमाइड अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ध्यान देना सभी लोग, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन टू गिव एल्कीन्स इवन थ्रू इट हैज नो बीटा हाइड्रोजन। देखिए बीटा एलिमिनेशन होगा इसमें, डिहाइड्रोजनेशन एक एलिमिनेशन का एग्जांपल है, ठीक है, और एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन सबसे कॉमन होती है, और बीटा एलिमिनेशन केवल उन्हीं में होती है जिनमें, जिन एल्काइल हैलाइड्स में बीटा कार्बन पर एक हाइड्रोजन जरूर हो, ठीक है। और इसमें नियोपेंटिल ब्रोमाइड में तो कुछ होता ही नहीं है,
तो होता नहीं है तो फिर इसमें एलिमिनेशन कैसे हो जाता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव के लिए भी। देखिए इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो रीअरेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो होता है वो आपका होता है एलिमिनेशन ही है। अब इसमें तीन ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं, एक तो E1 एलिमिनेशन दिया है, दूसरा E2 एलिमिनेशन दिया है, और तीसरा दिया है इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाई E1 मैकेनिज्म। तो इसमें होगी तो E1 मैकेनिज्म ही, ठीक है, होगी E1 मैकेनिज्म ही, मगर इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा किसका, ये ध्यान रखना पड़ेगा सभी को, कार्बोकैटायन जो बनेगा पहले, ठीक है, E1 मैकेनिज्म, E1 का मतलब ही है इलिमिनेशन, ठीक है, E1 मैकेनिज्म है, रीअरेंजमेंट है यहां पर, यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अपवादी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा ये नियोपेंटिल हैलाइड जो है आपका, ये ब्रोमाइड है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं होता है बीटा कार्बन पर, मगर फिर भी ये कर लेता है एलिमिनेशन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ है इसमें, ये ध्यान रखना, ये एक आपका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 50 पे जाइए, द कंपाउंड विच डज नॉट लीड नाइट्राइल बाय सब्स्टिट्यूशन विद NaCN एंड DMSO, DMSO का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, DMSO का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये कॉम्पिटेटिव का लेवल का है क्वेश्चन। इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका दिया हुआ है ये बेंजाइलिक क्लोराइड, फिर आपका है इथाइल क्लोराइड, फिर आपका सेकेंड डिग्री है, और लास्ट में डी आपका दिया है क्लोरोबेंजीन। इसमें ये पूछा है कि डायरेक्ट आपका नाइट्राइल का मतलब साइनाइड नहीं बनेगा, तो आपको ये चेक करना है। देखिए चार ऑप्शन में जो है वो डी वाला जो आपका है इसमें होना चाहिए, बट इसमें बी वाला भी होना चाहिए, ठीक है, बी वाला भी होना चाहिए, इसमें बी और डी दोनों करेक्ट होने चाहिए, वैसे बी वाला नहीं डी वाला ही होगा इसमें, देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पे जाइए, देखिए इसमें जो डी वाला ऑप्शन दिया है C6H5Cl, यहां पर क्या है इसमें इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, और यहां पर मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये जो इतनी यहां पर है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो ये जो कंपाउंड है ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो ये आपका साइनाइड नहीं बनाएगा, यानी कि इट डज नॉट फॉर्म नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या है कुछ भी नहीं बनाएगा इतनी जल्दी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं आपको, इसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट हुए, जैसे डबल बॉन्ड करेक्टर वाला है, ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिक आइडिया बहुत अच्छा खासा मिल गया होगा कि हमको मल्टीपल चॉइस कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे ट्रिक्स अटेम्प्ट करनी है और कहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आई थिंक आपको ये दो तीन वीडियो देखने के बाद में काफी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 51 पे जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू x, बहुत आसान है, चेक कर लीजिए sp2 हाइब्रिडाइज कौन सा है, चेक करिए, देखिए पहला आपका ये दिया हुआ है CH2X। तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ये भी कार्बन आपका होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। यहां पर जरा चेक करो,
कि कौन सा हैलोजन है जिसमें डबल बॉन्ड से अटैच है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से, तो ये डी वाला और एक आपका बी वाला दोनों करेक्ट है। ठीक है, डी वाले में क्या है मैं बता दूं आपको, ये वाला तो नहीं होगा कंपाउंड क्योंकि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, एक तो आपका ये बना हुआ है, ये तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, ये वाला कार्बन इसमें देखिए ये डबल बॉन्डेड है कि नहीं है, ये वाला आपका एक हो गया, यानी कि ये कंपाउंड तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में एक और भी दिया है डी वाला, डी वाले में भी उन्होंने सीधे जोड़ रखा है, इस कार्बन से जोड़ रखा है, तो इसकी और उसकी कहानी एक ही जैसी है, यहां भी आपका ये sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसका ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला ऑप्शन था सर, तो ये बी वाला है, तो यहां पर दो ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ये आपका मल्टीपल चॉइस ऐसा है जिसमें वन आर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी है और डी है। ठीक है, यानी कि यहां पर ऑप्शन बी और डी दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, बी और डी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 पे जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 52 एसर्शन इसका है, एसर्शन को ए से दिखाया है और रीजन को आर से दिखाया है, नोट भी करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहे इसका ताकि ये कहीं ना कहीं आपके पास रहे। पहला एसर्शन दिया हुआ है SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रीजन इसका दिया है SN2 रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप। तो देखिए स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ही होता है, 100% इन्वर्जन इन्वॉल्व होता है। रीजन ये है कि SN2 रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए आपका दिया है, इफ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो दोनों करेक्ट हैं, बट इसमें लिखा हुआ आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये गलत है। रीजन और एसर्शन दोनों करेक्ट हैं, बट जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां पर अगर रीजन में SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व वाल्डन इन्वर्जन होता तब तो हम कह सकते हैं, क्योंकि वाल्डन इन्वर्जन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से उसमें 100% इन्वर्जन कंफर्मेशन आता है, तो यहां पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा कि यहां पर ए और आर दोनों करेक्ट हैं, बट आपका आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा एसर्शन रीजन वाले सब रट डालो क्वेश्चन, एसर्शन जिनके जिनके करेक्ट हैं, यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहां पर इन्वर्जन केवल किसकी वजह से होता है, ठीक है देखो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, SN2 रिएक्शन जो है वो क्या करती है, 100% इन्वर्जन करती है, बट वो किसकी वजह से होता है, वो आपका वाल्डन इन्वर्जन की वजह से होता है, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो वाल्डन इन्वर्जन इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा है कि एक स्टेप में होती है एक स्टेप में, बट जो आपका इन्वर्जन है वो एक स्टेप की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में एसर्शन दिया है इसका, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू वन ईन ब्यूट टू ईन गिव टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, रीजन है इसका द प्रोडक्ट कंटेन वन एसोमेट्रिक कार्बन एटम, ये आपका सही है। ठीक है, दोनों आपके करेक्ट हैं एसर्शन और रीजन, और शायद रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि एसोमेट्रिक या फिर चायरल कार्बन एटम जब होगा तभी आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स जनरेट होंगे, अदरवाइज होंगे नहीं। तो ये ध्यान रखना, जब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो वहां चायरल एटम जरूर घुसेगा बीच में, अगर नहीं है तो फिर वो ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो 53 का जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैं ये बता दूं आपको, देखिए इसमें एडिशन तो होगा ही, इसमें ब्यूट टू इन पे हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी होगा या ऑप्टिकल आइसोमर्स तभी इन्वॉल्व होंगे जब एसिमेट्रिक
या फिर काइरल कार्बन जरूर आना चाहिए, ठीक है। ये एटम अगर आ गया तभी आपका पॉसिबल है, तो यहां पर ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन जो है वो करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 एसर्शन दिया है, इथेनॉल गिव्स आइडोफोन टेस्ट व्हाइल मीथेनॉल डज नॉट, ठीक है। रीजन है इथेनॉल लेस रिएक्टिव देन मीथेनॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए 54 में एसर्शन तो आपका ठीक है, एसर्शन तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए मीथेनॉल नहीं देता है वो बात अलग है, मीथेनॉल में ग्रुप प्रॉब्लम होती है क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट जो है उसके लिए दो ग्रुप चाहिए होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए दो ग्रुप चाहिए, सभी लोग याद कर लो, आइडोफॉर्म टेस्ट वही देते हैं जिनके पास CH3CH OH ग्रुप होता है, ठीक है, और मीथेनॉल के पास नहीं होता है बट इथेनॉल के पास होता है। तो इसमें एसर्शन रीजन तो दोनों करेक्ट हैं बट आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें रीजन में ये लिखा होता है बिकॉज इथेनॉल कंटेन CH3CH OH ग्रुप बट मीथेनॉल डज नॉट, तब तो आपका रीजन करेक्ट था, यानी कि आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, तो आपका फिर ए करेक्ट हो जाता, ऐसे आपका बी ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है 55 एसर्शन दिया है इसमें, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हो जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है, 3 डिग्री है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन SN1 ही होगा। रैपिडली देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, सही है, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और जो टर्शियरी वाले में वो 3 डिग्री बनाएगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो जल्दी करेगा। रीजन है इट प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो इसमें देखिए 55 का जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से वो दोनों 55 जो है उसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जहां पर अभी मैंने बताया है SN1 रिएक्शन जहां भी आ जाए, SN1 रिएक्शन जहां भी आ जाए वहां फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन तो होना ही होना है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और दोनों के दोनों उसमें रीजन भी दिया हुआ है करेक्ट, उसमें वो भी कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन की वजह से होता है, तो सही है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो एसर्शन रीजन वाले हैं क्वेश्चन वो याद कर लो मेरे हिसाब से, ये कॉन्सेप्चुअल भी हैं बट अगर उन्हें लर्न कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो हेलो एरियंस और हेलो एल्केन्स है इसमें इतना ही, ठीक है, हमने 55 क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट भी हैं और काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आए हैं, होम एग्जाम्स में भी आए हैं, अदर स्टेट के एग्जाम्स भी आए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है विद कॉन्सेप्ट, हमने आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और ये जो चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस, अगर आपको ये 55 क्वेश्चंस अच्छे से आप कर ले जाते हैं तो आई थिंक आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे छूट जाए एग्जाम में, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं कि अगर आप सभी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका अपडेट हो जाएगा, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, अगले वीडियो में हम एल्कोहल फिनॉल ईथर पर आपको लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।